मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्व और सूत्र के दूसरे अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक का जो प्रकरण हमने देखा है उसको मैं संक्षिप्त पद्धति से यहाँ से दोहरा देता हूँ। पहले 7 सूत्रों में हमने देखा कि कोई द्रव्य पारिणामिक भाव के बिना नहीं है, तो जीव तो होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अर्थात कोई भी जीव पारिणामिक भाव के बिना नहीं है, कोई भी संसारी औदयिक भाव के बिना नहीं है, कोई भी छद्मस्थ सायुक्षमिक भाव के बिना नहीं है, कोई भी क्षायिक संकेति क्षायिक चारित्रवान और केवली क्षायिक भाव के बिना नहीं है, कोई भी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औपशमिक भाव के बिना नहीं होता। ये 5 भाव का हमने संक्षिप्त वर्णन देखा। फिर हमने 8वें और 9वें सूत्र में जीव का सामान्य रूप से लक्षण और विशेष रूप से लक्षण देखा था। विशेष रूप से लक्षण तो ये देखा था कि उपयोगो लक्षणम, और ये जो कहा जाता है 12 प्रकार का उपयोग वह जीव का लक्षण है, यह है सामान्य कथन है। द्रव्य संग्रह में आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर यही ये 12 प्रकार के भेद ये जीव के लक्षण बताए हैं। ज्ञान में है आपके, लेकिन कायदे से वे लक्षण नहीं हो सकते। एक उपयोग जानना देखना मात्र यही लक्षण है, जिसको टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं। वहाँ पर प्रश्न खड़ा किया था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म से बंद कहो, तो टोडरमल जी साहब का कहना था कैसे बंद कहे, उनका उनके उदय में ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञानावरण के उदय में तो ज्ञान का अभाव, वो बंद का कारण कैसे होगा। और क्षयोपशम के काल में जितना सद्भाव है वह तो कोई उपाधि जनित नहीं है, वह तो स्वभाव का ही अंश है, उससे बंद कैसे होगा। आप जानते हो ये प्रकरण, मैंने ये पिछले साल लिया था। ये तो स्वभाव का अंश है। उदाहरण वहाँ पर था मेघ पटल आड़े आ रहे हैं, तो जितना उजाला आ रहा है वो तो सूरज का ही अंश है। मैं तो क्यों बता रहा हूँ, जानना देखना मात्र ये स्वभाव का अंश है, ये बंधन में कारणभूत नहीं हो सकता। आगे इवन मति श्रुत ज्ञान भी ये बंधन में कारण नहीं है, तो जानना देखना मात्र तो स्वभाव है ही। फिर 10वां सूत्र संसरण मुक्ताश्च हम सूत्र देख रहे हैं, जिसमें 5 परावर्तन की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। 2 परावर्तन की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं, द्रव्य परावर्तन और क्षेत्र परावर्तन। कितने जनों के दोनों परावर्तन समझ में आ गए हैं, वे हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। अब थोड़ी सी बात इतनी सी है, कल मैंने द्रव्य परावर्तन का तो ये बोला था, इसके 2 भेद करने हैं आपको। नौकर्म द्रव्य परावर्तन हूबहू ऐसा ही संयोग मिलेगा। ये कौन सा संयोग, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय वाला संयोग। और द्रव्य कर्म परावर्तन में कौन सा संयोग लेना, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय वाला संयोग। कितने जन समझे इस बात को, हाथ ऊपर। स्वर्णिम नहीं समझे। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या होता है, शरीर स्त्री पुत्र मकान। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या बनता है, द्रव्य कर्म। समझ में आता है, हाँ हाँ बराबर है, कायदे से तो सच्ची बात है।
उपचरित असद भूत व्यवहार में कौन विषय बनता है? स्त्री पुत्र बीव बच्चे आदि, ठीक है ठीक है। और अनुपचरित में वैसे शरीर बनता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अपन शरीर में अपन दो भेद करने हैं तो अपना ऐसा करो, फिर इसमें आपत्ति आ रही है, शरीर वो किस में ले दिक्कत आएगी फिर ऐसा कहेंगे तो, क्योंकि शरीर तो नौकर्म द्रव्य परिवर्तन में हमको डालना है। तो अपना ऐसा कहो, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन का विषय नहीं, फिर तो दोनों का विषय अनुपचरित तो बनेगा ही ना। फिर अपन तो द्रव्य कर्म को और नौकर्म को अलग अलग से दिखाना है। तो अपन ये कह सकते हैं, ये जो औदारिक शरीर वाली चीज है ये नौकर्म द्रव्य परिवर्तन में चली जाएगी, और कर्मण शरीर वाली चीज है कर्म, ये चली जाएगी द्रव्य कर्म परावर्तन के अंतर्गत। उसमें मैंने खूब लिया था, एक फर्क दोनों में किया था, आपको याद होगा। समानता तो ये कही थी कि पहले समय में इन्होंने षट पर्याप्ति के योग्य कुछ परमाणुओं को ग्रहण किया, और वो परमाणुओं की संख्या कितनी बताई थी? एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध मतलब एक समय में बंधने वाले परमाणु, तो वे कितने हैं? वे भी संख्या में अनंत है। और मैंने ये बताया था द्वितीय आदि समय में उनका खिरना चालू हो गया, याद आ रहा है? और फिर बनना तो चल ही रहा है निरंतर। हमारे भी शरीर में प्रत्येक समय में ये बंधना और खिरना ये निरंतर चल रहा है परमाणुओं का। तो ये आहार वर्गना निरंतर आना और चले जाना, और फिर इसी क्रम में फिर कितने अनंत ग्रहित, फिर अनंत अग्रहित, फिर अनंत मिश्रित, ऐसे ग्रहण होते जाते। फिर कभी ऐसी स्टेज आती है हूबहू वैसे ही परमाणु, वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण के, वैसे ही अविभाग प्रतिच्छेद के, वैसे ही क्वालिटी के फिर से ग्रहण कर लिए जाते हैं। और वो जितना काल लगता है उसको कहते हैं एक द्रव्य परावर्तन। फिर नौकर्म हो तो नौकर्म लगा लेना, और द्रव्य कर्म हो तो द्रव्य कर्म लगा लेना। तो द्रव्य कर्म में इतना लगाना कि वो खिरने के लिए एक समय प्लस एक अवली इतना पीरियड जाने दिया जाना चाहिए पहले, पकड़ रहे? क्योंकि तुरंत कभी भी कर्म बंधन हुआ तो उसका उदय नहीं हो सकता, क्योंकि पर्टिकुलर उसकी आबादा काल फिक्स्ड रहती है, और कम से कम अंतर्मुहूर्त तो लगता ही है उदय में आने को कोई भी कर्म। ये द्रव्य परिवर्तन में हमने देखा था। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ बराबर, बराबर है, ठीक है। अग्रहित और मिश्र आना उसमें संभव नहीं होगा, लेकिन ये परंपरा में ये बीच में चलता रहता है, ये कहना है बस। और फिर ऐसी कोई स्टेज आएगी कि पहले जैसी स्थिति फिर से बनेगी, तो उसको कहना बनेगा फिर एक परावर्तन, ठीक है। चलो, अभी हमने क्षेत्र परावर्तन भी देखा था। क्षेत्र परावर्तन में हमने क्या देखा था? हमने प्रारंभ किया था सुमेरु पर्वत के नीचे के आठ मध्य प्रदेश, और हमारे नाभि के अगल बगल में आठ प्रदेश। ये नाभि मतलब ये शरीर की तरफ से बता रहा हूं, लगाना आत्म प्रदेश है आपको। तो ये आत्म प्रदेश के आठ मध्य प्रदेश, और उनके आठ मध्य प्रदेश एक के ऊपर एक आए, और वहां से चालू होता है क्षेत्र परावर्तन। चालू मतलब मैंने कहा था सबसे जगन्य अवगहना घनांगुल के असंख्यात विभाग, वह भी कितने प्रदेश है? वो भी असंख्यात प्रदेश है, इसलिए असंख्यात बार तो वहां पर जन्म मरण करेगा। और फिर एक प्रदेश इंक्रीमेंट से फिर एक भव उसमें लगाएगा, फिर एक प्रदेश इंक्रीमेंट, फिर एक प्रदेश इंक्रीमेंट। अब ऐसा ही अर्थ नहीं समझना कि उसकी अवगहना ही इतनी बड़ी हो जाएगी कभी, क्योंकि अवगहना तो सबसे बड़ी 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन बताई महामत्स्य की, जानते हो ना आप ये? हाँ, अभी इसमें भी आएगा द्रव्य संग्रह में आपके। अरे वो तो चल चुका अभी, ये देह प्रमाण वाला बोल हुआ ना आपका, उसमें समुद्घात का प्रकरण हुआ, उसमें वो पूरी अवगहना का वर्णन आया था। सबसे बड़ी अवगहना 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन। तो मैं तो ये कह रहा हूं, फिर लोकव्यापी कैसे बनेगा? लोकव्यापी बनने के लिए अवगहना उतनी बड़ी होने की आवश्यकता नहीं, फिर सरकता जाएगा वो धीरे धीरे, एक प्रदेश ऊपर ऊपर ऊपर। कहना ये है, अभी यहां से चालू किया उसने पर्वत के नीचे से,
तो धीरे 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 करके संपूर्ण फिर लोक व्याप्त हो जाएगा। मतलब एक भी प्रदेश ऐसा नहीं रहा जहां पर हमने जन्म नहीं लिया हो, हर प्रदेश में जन्म लिया हमने। ये क्षेत्र परिवर्तन हुआ, ये जानकर हमको ये लाभ होना चाहिए, किसी प्रदेश का आकर्षण हमको नहीं होना चाहिए। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं, शिखर जी कहो एनी, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां पर हमने जन्म नहीं लिया हो, कश्मीर हो, अमेरिका हो, जापान हो, एनी, अरे लोक आकाश का कोई भी प्रदेश, तभी तो एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें समझ लेना कि कंटिन्यूअस, देखिए अभी ये वहां से चालू किया उसने क्षेत्र परिवर्तन, अभी बीच में जितने भी भव हुए वे गिनती में नहीं पकड़ना, अगेन अगेन अगेन। मैं ये कह रहा हूं जैसे सीए की पढ़ाई होती है, पहले जमाने में सीए की पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, आज से 25 वर्ष पहले। उसमें यह होता था कि जैसे आपने 10 सब्जेक्ट में से 9 सब्जेक्ट्स क्लियर किए, एक सब्जेक्ट आपका पीछे रह गया, तो वहां पर यह नहीं कि अगले साल वो एक सब्जेक्ट क्लियर करना है आपको, फ्रेश अटेम्प्ट में आपको 10 क्लियर करने हैं। वहां पर समस्या ये होती थी, फिर अब की बार तो वो क्लियर कर लेता था और दूसरा रह जाता था। पहले जमाने में 25 साल पहले सीए करना 1.5% का रेशो था, कितना मतलब 100 जन यदि सीए करने बैठे तो मात्र 1.5 जन, मतलब 200 जनों में 3 जन सीए हो सकते थे। उतना उनका परसेंटेज कोटा सेट था कि 200 एकदम स्कॉलर 200 में से 3 ही जन सीए हो पाएंगे। पहले सीए की मात्रा इतनी कम थी, इसलिए बहुत क्रेज था सीए का। अभी सीए का ना वो सिलेबस रखा उन्होंने और ना परसेंटेज का कोई रखा, क्योंकि सीए की आवश्यकता बहुत है। तो फिर उन्होंने फिर वो मात्रा बढ़ा दी और अभी डिग्रेडेशन हो गया। पहले कितना स्ट्रिक्ट था, मैंने क्या बोला, वो जो एक सब्जेक्ट गए 10 में से, अगले साल नए सिरे से 10 प्रिपेयर करना आपको अगेन। फिर एक गया, मतलब किसी के बस की नहीं थी वो पास करना, मैंने बोला ना 10 साल लग जाते थे उसको, 10-20 साल उसको सब क्लियर करने में अटेम्प्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो प्रिपेयर नहीं करना था उसमें। मैं ये उदाहरण क्यों दिया, एक भी गया नए सिरे से शुरुआत करो। ठीक उसी प्रकार ये क्षेत्र परिवर्तन में यदि वो क्षेत्र का क्रम चालू किया है उसने, असंख्यात बार यही जन्मना पड़ेगा। कितना असंख्यात, जितना असंख्यात प्रदेश है घनागुल के असंख्यात विभाग में, उतने बार यदि जन्म नहीं करके बीच में एकाध बार दूसरी जगह कहीं जन्म लेवे तो वो जन्म गिनती में नहीं पकड़ना। अभी क्या कहा, वो जन्म बीच में आए वो गिनती में नहीं पकड़ा जाएगा, वो तो बराबर उसी के अवगाहना वाला वही पर उसी प्रदेश में जन्म है, तो वो फिर वहां से गिनती फिर आगे पकड़ेंगे। फिर बीच में 25 भव यहां वहां लगा दिए, वो अभी गिनती में नहीं पकड़ेंगे। नहीं तो आप कहोगे कि फिर क्षेत्र परिवर्तन में कभी ना कभी वो क्षेत्र चुना ही था, अब भी चु लिया, ये नहीं चलेगा। वो बिल्कुल एक सेटेड क्रम का ही गिना जाएगा, बीच में अक्रम रूप से जितना होता है दैट विल नॉट बी कैरीड। कितने जन समझ रहे बात को, बहुत अच्छा। और ये करते करते संपूर्ण लोक व्यापक संपूर्ण क्षेत्र को घेर लेवे, आप समझ रहे मेरी बात को, उसे कहेंगे एक क्षेत्र परिवर्तन। मैं थोड़ी बीच में एक 8 प्रदेश की एक बात बोल दूं तो आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। यह 8 प्रदेश की क्या विशेषता होती है मालूम, 8 मध्य प्रदेश की, ये अपने आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है, क्या आप जानते हैं, वे निरंतर बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, घड़ी के कांटे की भांति वो बहुत फुर्ती से चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत रफ्तार से तेज निरंतर आत्म प्रदेश घूमते रहते हैं। ये कंपन कहेंगे हम इसको, परिस्पंदन, तो चंचलपना। तो मुझे तो ये कहना है कि लेकिन ये 8 मध्य प्रदेश होते हैं ना, ये घूमते नहीं है। तो प्रश्न किया है जिनागम में, 8 मध्य प्रदेश नहीं घूमते है, बाकी सब घूमते हैं, तो फिर तो ये टूट जाएगा ना इनका जुड़ान, लिंक टूट जाएगी। तो फिर ऐसा उत्तर दिया, नहीं लिंक भी नहीं टूटती है। फिर कैसे नहीं टूटती है कह रहे, क्योंकि कहते हैं लिंक तो देखो, जैसे मैं कहूँ ये गोल गोल जैसा हमने घुमाना चालू किया कुछ, तो कभी ना कभी तो तकलीफ तो होगी, जैसे रुमाल फंस गए कहीं, हम उसको गोल गोल घुमाना चालू करें तो वो तो
फट जाएगा ना वो फिर, क्योंकि वो तो एक जगह रिजिड हो गया है एक चीज। तो कहते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो ये आठ मध्य प्रदेश का जुड़ान अन्य प्रदेशों से इसलिए नहीं टूटता क्योंकि कहते ये बीच के मध्य प्रदेश है वो एकांत रूप से स्थायी नहीं है, वो घूमते तो है लेकिन अपनी अपनी जगह घूमते हैं गोल गोल। अभी समझ में आ रहा है आपको? बाकी तो सब जगह प्रदेश ही बदलेगा लेकिन इनका प्रदेश नहीं बदलता, इस अपेक्षा से इनको तो इमोबाइल कहा जाता है, लेकिन अपने अपने स्थान पर घूमते रहते हैं इसलिए इनको मोबाइल भी कहा जाता है। तो इससे लिंक नहीं टूटती इनकी, अब समझ रहे? तो मैं आगे बढ़ू। अब देखिए ये काल परावर्तन की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं अभी। अब देखिए उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो काल होते हैं। उत्सर्पिणी का पहला काल आप एज्यूम करो, पहला पॉइंट आप नहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 305 पृष्ठ पर तत्वार सार में सब कुछ है, मैं जो पढ़ रहा हूं संसरण मुक्ताच्छ, आप तो समझो। यहां पर मैं ये कह रहा हूं उत्सर्पिणी काल का, उत्सर्पिणी काल एज्यूम करो, उसका पहला समय विचार करो। आप जानते हो कोई भी काल प्रारंभ होता है कब से प्रारंभ होता है? अपने यहां श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब कोई बताएगा? प्रतिपदा मतलब एकम, श्रावण कृष्ण एकम को हमारे यहां कुछ भी चीज प्रारंभ होती है। इसलिए सचमुच वर्षारंभ अपने यहां इसी दिन प्रारंभ कहा है। और उत्सर्पिणी काल के भी पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, सभी काल इसी तिथि से चालू होते हैं अपने यहां। खैर मुझे तो यह कहना है जब उत्सर्पिणी काल चालू हुआ वो पहला समय, वहां पर जीव जन्मा, फिर जब भी मरा होगा तो फिर सीधा दूसरे अवसर्पिणी का, सॉरी दूसरे उत्सर्पिणी का, मैंने अवसर्पिणी बोल रहा हूं क्या? मैं उत्सर्पिणी बोल रहा हूं क्या? क्या उत्सर्पिणी समझना, उत्सर्पिणी। देखो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये शब्द सर्प से बना है, काय से? सांप, समझते हो सांप? तो सांप का आपने देखा होगा तो सांप का मुंह होता है बड़ा, पूंछ होती है छोटी। पूंछ क्यों हंस रहे सब? कोई रहस्य है इसमें? कोई छिपी बात है कुछ? चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं सांप होता है बड़े मुख का और उसकी पूंछ होती है एकदम पतली, ठीक। अभी उत ये काय का सूचक है? इंक्रीमेंट का। उत काय का सूचक है? नहीं समझ रहे आप? जैसे उत्कर्षण, ये काय का सूचक है? उत्कर्ष। नहीं समझ रहे अभी भी? उदासीन, उद्घाटन, उत ये अच्छे का प्रतीक है, बढ़ती हुए का प्रतीक है। तो उत्सर्पिणी ये बढ़ती हुई अनुकूलता का प्रतीक होता है। तो इसलिए उत्तर उत्तर उत्सर्पिणी काल में आयु बल पुण्य ये शक्ति ये बढ़ता जाता है, बुद्धि। इसलिए वहां पर छठवा मतलब दुखमा 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 सुखमा सुखमा दुखमा सुखमा 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 इस विधि से गाड़ी आगे बढ़ेगी उत्सर्पिणी में। और अवसर्पिणी, अवसर्पिणी अव गिरने का प्रतीक है, सर्पिणी मतलब ये मुख से लेकर पूंछ की तरफ बढ़ना, घटता जाता है सब इसमें। बुद्धि बल आयु पुण्य ये सब घटता जाएगा, पकड़ रहे आप? तो उत्सर्पिणी आप ले लो, उत्सर्पिणी से प्रारंभ होता है कभी भी बढ़ता हुआ प्रोग्रेस। तो उत्सर्पिणी के पहला समय में कोई जन्म लिया फिर जब भी मरा वो, फिर जाने दो फिर और कितना काल आप मुझे बताओ, तो फिर उत्सर्पिणी काल का दूसरा समय आएगा। कितना काल जाने दो अभी, कोई बताएगा? एक कल्प काल जाने दिया जाना चाहिए। एक कल्प काल क्यों? फिर एक उत्सर्पिणी पूरी होगी जो कितने कोड़ाकोड़ी सागर की है? 10 कोड़ाकोड़ी सागर की। नहीं समझ रहे आप लोग? कितने जन समझ रहे बात को? और फिर एक अवसर्पिणी फिर 10 कोड़ाकोड़ी सागर की, 20 कोड़ाकोड़ी सागर को एक कल्पकाल कहते हैं, ये तो पता है आपको। तो ये पूरी उत्सर्पिणी खत्म होगी, फिर अवसर्पिणी खत्म होगी, फिर उत्सर्पिणी का दूसरा समय आएगा।
वहां पर फिर एक बार जन्म लेगा, फिर कितने भी काल जिया हो और फिर बीच में कुछ भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ठेठ फिर उत्सर पीणी का तीसरा समय, वो उत्सर पीणी का तीसरा समय फिर कितने काल बाद आना, एक कल्प काल बाद, 20 कोड़ाकोड़ी सागर बाद। फिर उत्सर पीणी का चौथा समय में उसको जन्म लेना, फिर कभी भी मरे और फिर उतने काल तक क्या करे, चाहे जहां जन्म मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उत्सर पीणी का चौथा समय में जन्म, फिर पांचवें समय में जन्म, छठवें समय में जन्म, फिर ऐसा करते करते उत्सर पीणी के हरेक पॉइंट पे उसका जन्म पूरा हो जाए, फिर अवसर पीणी के हरेक पॉइंट पर उसका जन्म होवे, फिर उत्सर पीणी के हरेक पॉइंट पर मरण हो, फिर अवसर पीणी के हरेक पॉइंट पर मरण हो। अगर पगला जाए मतलब कितना, अरे एक एक सर्कल में ही 20 कोड़ाकोड़ी सागर चला जा रहा है, एक एक भाव में ही उसका, एक भाव में मतलब उतना एक पॉइंट पर जन्म लेना। फिर जन्म सब मतलब ऐसा कोई काल नहीं गया जहां पर हमने जन्म न लिया हो, और ऐसा कोई काल नहीं गया जहां पर हमने मरण ना किया हो। बीच में जितने भी जन्म मरण लिए हुए वो गिनती में नहीं आएंगे, जितना काल इसमें लगेगा उसे कहेंगे एक काल परावर्तन। पकड़ में आ रहा है? अब मैं आगे बढ़ू भाव परावर्तन में, किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? भाव परावर्तन चलो, भाव परावर्तन की तरफ चलो। ध्यान दीजिए अभी सब, ये लिखो मत अभी, थोड़ा ध्यान दो अभी यहां पर सब, क्योंकि ये तो हुबहू इसमें है, नई बात मेरी होगी तो मैं तो स्वयं लिखाऊंगा, ये मेरी अपनी बात नहीं है कुछ। बहु परावर्तन देखो क्या है, बहु परावर्तन में एज्यूम, एज्यूम से ही है सब कुछ है परावर्तन की तो बात। ये बहु परावर्तन में कल्पना करो, और एक परावर्तन का मैं बता रहा हूं सब जगह आपको, ऐसे तो अनंत परावर्तन हमने किए, कल दो लाइन हमने पढ़ाई थी छह डाला की, पढ़ाई थी ना अभी आपने कि नहीं पढ़ाई थी। अभी देखिए बहु परावर्तन में स्टार्ट फ्रॉम नरक, मान के चलिए जगन्यायु बोलो 10,000 वर्ष की आयु में कोई नरक में जन्मा, उतनी आयु लेकर कितनी बार जन्मना पड़ेगा उसको, 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी 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 बार वो जन्मे वहां पर, अगेन अगेन अगेन। काल परिवर्तन चालू कर रहे हैं हमने, नरक से चालू किया, 10,000 वर्ष की आयु लेकर कितनी बार भव धारण करे, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार वहां पर वो भव धारण करे। ध्यान रखना बीच में जितने भी भव होंगे वे गिनती में नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि बीच में भव तो होंगे ही होंगे, क्यों, नारकी मर के, नारकी तो होता ही नहीं। आप कहोगे नारकी 10,000 वर्ष की आयु वाला हुआ खत्म, फिर यही जन्म लो, फिर यही जन्म लो, यही जन्म लो, नारकी मर के नारकी होता ही नहीं, नारकी मर के संगी पंचेंद्रिय होगा और फिर चाहो तो नरक में आ सकेगा। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को, सुनिए सुनिए, नारकी मर के संगी पंचेंद्रिय होगा, ठीक है, और उसका कुछ क्रम है सेटेड, अभी अभी छोड़ो इस बात को, मुझे तो क्या लेना है कितनी बार जन्म लेगा इसमें नरक के आयु में, 10,000 की आयु वाला नारकी कितनी बार बनेगा, 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार, 10,000 वर्ष से कम आयु तो होना संभव नहीं, इसीलिए यदि संभव होती तो कैसा फिगर होता कोई बताएगा, एक समय की आयु वाला नारकी होवे पहले मरे, फिर दो समय की आयु वाला नारकी होवे, फिर तीन समय की आयु वाला नारकी होवे, फिर चार समय की आयु वाला नारकी होवे, फिर मरे फिर कहीं भी जाके आए, फिर नरक में जन्मे, पांच समय की आयु वाला नारकी होवे, फिर मरे, फिर कहीं भी जन्म लेकर फिर यहां पर आए, फिर छह समय की आयु वाला नारकी बने, ऐसा एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते कहां तक बढ़ना है, 33 सागर तक, कहां तक, मतलब ये भव परिवर्तन चल रहा है ना, भव
कार तो होता है, भव होता है ना, भव, भव मतलब वो जीव और शरीर का एक क्षेत्रों का संबंध साथ में बना रहना, वो भव निश्चित करता है वो सब। भव साथ साथ रहना समान जाति द्रव पर्याय। मैं तो ये कह रहा हूं एक समय से चालू करके कहां तक लगाना, ये आयु कितनी हो सकती है, आयु 33 सागर तक आयु है नारकियों की, तो उतने मतलब एक भी आयु ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जो उसने धारण नहीं की। ये भव परावर्तन की चर्चा चल रही है, आप जानते होंगे ये आयु की चर्चा भी हम कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि आयु ये भव विपाकी प्रकृति है। एक बार हमने लिया था, आपको याद होगा पिछले साल वो चार्ट खोला तो गोमट सार कर्मकांड का, उसमें लिया था आयु ये भव विपाकी प्रकृति है। हमने पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी ऐसी प्रकृतियां बताई थी, याद आ रहे। लेकिन एक समय दो समय वाले आयु वाला नारकी नहीं हो सकता ना, दिक्कत ये है। इसलिए हमने क्या किया, फिर हमने 10,000 की आयु वाला, 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी, लेकिन हमने इतना किया 10,000 वर्ष में जितने समय उतनी बार जन्म मरण कराया उसका। कितने जन अभी बात को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और ऐसा बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना, 33 सागर। ध्यान रखना नारकी मर के नारकी तो होना नहीं, तो आप समझेंगे ठीक है। कंटिन्यूअसली नारकी नारकी नारकी, फिर 10,000 की आयु हुई, फिर आगे का भाव क्या होगा उसका, सुनो 10,000 वर्ष की आयु और ये कौन सा भाव, 10,000 में जितने समय है उतने समय का अंतिम भाव जी रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी इसके बाद तो नारकी मर के जाएगा, पहले संगी पंचेंद्रिय होगा, कहीं मनुष्य तिर्यंश ही, संगी पंचेंद्र मतलब चाहे जो नहीं होता, तिर्यंश मनुष्य ही, फिर वहां से मर के फिर नरक में जन्मेगा, तो कितनी आयु वाला जन्मना चाहिए। यदि फिर से 10,000 वर्ष की आयु वाला जन्मा गया, ये गिनती में नहीं आएगा अभी, क्यों, अभी 10,000 और एक समय ये आएगा, फिर यहां से मरे फिर कहीं जाए, फिर जब यहां पर जन्मेगा 10,000 दो समय की आयु लेकर फिर यहां पर जन्म। कितने जन बात को पकड़ रहे, ऐसा करते करते 33 सागर लगा लेना है। ये हो गया एक नरक भव का परावर्तन। अभी चलिए देवगति का परावर्तन देखते हैं हम, किसका, देवगति में भी बिल्कुल इसी विधि से चलना है, क्योंकि उसकी जगन ने आयु भी 10,000 वर्ष कही है। लेकिन फर्क इतना करना है आपको कि अब बढ़ते 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 जाना कहां तक है, लेकिन अभी 33 सागर तक नहीं जाना, लेकिन आपको 31 सागर तक ही जाना। कारण, कारण ये परावर्तन ये अज्ञानियों के होते हैं, और अज्ञानी के मिथ्या दृष्टि के 90 ग्रीवक के ऊपर नहीं जाता, ये अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंते बिर्यापद। तो वो ऊपर 33 सागर तो नीचे जा सकता है, ऊपर जाएगा तो 90 ग्रीवक तक उसकी पहुंच, और 90 ग्रीवक की आयु 31 सागर कही है, कितनी, फिर 9 अनुधिश की 32, 5 अनुत्तरों की 33, और 5वां अनुत्तर है सर्वार सिद्धि, उसकी जगन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं बताया है, उसकी 33 सागर ही आयु रहती है, और बचे हुए 4 अनुत्तरों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। जगन्य आयु कितनी होगी इनकी, 32 सागर और एक समय, क्योंकि 32 तो उत्कृष्ट है 9 अनुदिशों की कही, और 9वे ग्रीवक की उत्कृष्ट आयु 31 सागर। तो 31 सागर तक ये बहु परावर्तन चलेगा। कितने जन इस बात को समझे, ये सब ऐसा लगा लेना, 10,000 वर्ष की आयु कितनी बार जन्मना पड़ेगा, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार, और फिर बढ़ाते बढ़ाते एक समय बढ़ाते बढ़ाते कहां तक चलना, 31 सागर। क्यों, क्योंकि परावर्तन में 31 सागर तक ही लेना। आगे बढ़ते हैं अभी हम, फिर ये नारकियों का हुआ, देव का हुआ, अभी तिर्यंश का हो, तिर्यंश का कोई बताएगा लॉजिक मुझे, अभी लॉजिक कोई बताएगा तिर्यंश का, कहां से चालू करें इसका, बोलिए, इसका बोलिए ना, तिर्यंश का बोलिए, इसकी जगन्य आयु पहले खड़ी करो, मान के चलिए निगुदिया की ही, अपरे वैसे समस्त पर्याप्त की तो उतनी आयु रहती है, लेकिन अभी तिर्यंश चालू करें, एक इंद्रिय से हम चालू करें, तो उस एक इंद्रिय में
वो बहु परावर्तन में ऐसा करना आपको, वो सबसे जगन्यायु कही है श्वास के 18वें भाग, कितनी शुद्र भाव कहते उसको, सबसे छोटा भाव, कितनी आयु कही उसकी, एक सांस के 18वें भाग। तो उसमें जितने समय है उतनी बार जन्मे और मरे वो वहां पर, समझ रहे हैं? ठीक है, उतनी बार जन्मे और मरे, और फिर क्या करना, ये आयु बढ़ाते बढ़ाते त्रियंश की कहां तक आयु बढ़ाना, फिर एक समय इसमें और बढ़ेगा, फिर एक समय और, एक समय और, बढ़ते बढ़ते फिर जाना है आपको 3 पल्ल्य तक, क्योंकि त्रियंश की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल्य कही है। कहां पर? एक भूभूमि के त्रियंश है, क्या महामत्स्य की बात नहीं, महामत्स्य तो कर्मभूमि वाला है, उसकी इतनी आयु नहीं होती है। भोग भूमि, एक महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र कर्म भूमि है, एक भोग भूमि थोड़ी है, तभी तो वे अनुवृत्ति हो सकते हैं, भोग भूमि में अनुवृत्ति थोड़ी हो सकते हैं। तो भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु त्रियंशों के 3 पल्ल्य कही, तो बढ़ते बढ़ते 3 पल्ल्य तक जाना है आपको, पकड़ में आ रही है? ये त्रियंश का बहु परावर्तन हुआ। मनुष्यों का बहु परावर्तन कैसे लगाएंगे, हूबहू ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा बहु परावर्तन इनका, मनुष्य का भी सबसे जघन्य आयु कितनी कही, इसकी भी उतनी कही, कितनी, एक श्वास के 18वें भाग। लब्धिय पर्याप्तक मनुष्य होते कि नहीं, तो लब्धिय पर्याप्तक मनुष्य सबसे पहले वो एक श्वास के 18वें भाग इतनी आयु जिएगा, कितनी बार जन्म मरण करेगा, इसमें जितने समय है उतनी बार जन्म मरण यहां पर होगा। बीच में यदि दूसरी आयु कोई धारण करता है वो गिनती में नहीं आएगी, अभी तक की तो गिनती में आएगी, इसके बाद जो यहां वहां जन्म वो गिनती में नहीं आने, पकड़ में आ रहे है? तो फिर जो बचे हुए भव है वहां पर लगे वो गिनती में आएंगे, फिर एक एक समय बढ़ाते जाना, किसमें, एक श्वास के 18वें भाग में एक समय बढ़ाते जाओ उतनी आयु जिएगा, फिर और एक समय बढ़ाओ उतनी आयु वहां जिएगा, ऐसा करते करते कहां तक बढ़ना, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व तो कर्म भूमि की है, आपको लगाना 3 पल्ले ये उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की, वहां तक वह आयु का वो मनुष्य होगा, ये होगा मनुष्य संबंधी भव परावर्तन। अभी ये सब मिलके इसको कहेंगे एक भव परावर्तन। बोलो भव परावर्तन कितने जन को समझ में आ गया? बहुत अच्छा, लिखिए कम, अब ध्यान दीजिए, अब भाव परावर्तन समझिए। अभी तक के 4 परावर्तन में हमने देखा कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको हमने आज तक ग्रहण नहीं किया, ऐसा अभी इसमें भी समझना, द्रव्य मतलब आप समझेंगे ऐसा तीर्थंकर प्रकृति भी क्या हमने ग्रहण की क्या, ये तो 5 परावर्तन वालों की अपेक्षा चर्चा चल रही है, अज्ञानी, ज्ञानी के योग्य कर्म प्रकृतियां थोड़ी इसको बंधेगी, ज्ञानी को जो कर्म प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है, आरेख प्रकृति, वे तो आज तक नहीं बंधी इसको, आप नहीं समझे। अरे देखो 5 परावर्तन हमारे कई बार आनंद बार किए हम बोलते हैं, मेरा ये प्रश्न है कि बोलो जो नित्य निगुत है उसने भी किए क्या 5 परावर्तन? अरे नित्य निगुत से तो वहां से निकला ही नहीं है, उसको मनुष्य तिरेंच होने का सवाल ही नहीं है, तो उसके 5 परावर्तन माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कायदे से तो किए नहीं है लेकिन माने इसलिए जाएंगे, अन्य जीव की तरफ से देखो तो उतना काल तो वहां पर वो रख ही रहा है, तो उस अपेक्षा से उसने भी किए, लेकिन उसके वैसे नहीं हुए जैसे अपन यहां पर गिनती करा रहे। कितने जन समझ रहे बात को, पकड़ रहे सब अच्छे से? अब मैं आगे बढ़ू, कहां तक बढ़ना है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं रहा जिसको नहीं भोगा, कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसको नहीं भोगा अनंत बार, कोई काल नहीं रहा जहां पर जन्म मरण नहीं हुआ, कोई भाव भी नहीं, हमने सब प्रकार की आयु जी ली है। अब भाव परावर्तन में ऐसा आज तक कोई भाव नहीं है जो हमने नहीं किया हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो या निकृष्ट से निकृष्ट अशुभ भाव हो, सब हमने भाव किए हैं। अब इसमें भी गर्भित रूप से समझना, ऐसा भाव, ऐसा शुभ भाव जिससे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर जाते हैं, ऐसा तो नहीं किया हमने, ये तो गर्भित रूप से, और शुद्ध भाव तो हमने आज तक नहीं किया, ये शुभ अशुभ भाव की चर्चा चल रही है। सब पकड़ रहे बात को?
क्योंकि चार गति में भ्रमण कर रहे, तो उस योग्य शुभ अशुभ भाव को भी तो किया ही है उसने, तो इसमें भी समझ लेना कि इस भाव परिवर्तन में इतनी सी बात है कि कितने ही योग स्थान होते हैं, वो कितने ही योग स्थान मिलके फिर एक अनुभाग स्थान होगा, कितने ही अनुभाग स्थान खत्म होंगे तो एक कषाय स्थान होगा, और कितने ही कषाय स्थान होंगे तो एक स्थिति स्थान होगा। एक भाव परिवर्तन इस प्रकार चलता है। वो कैसे? क्योंकि देखो, जैसे सेकंड का काटा एक बार घूमा तो मिनट का काटा इतना सा घूमेगा, उसी प्रकार इतने स्थितिबंध स्थिति स्थान होंगे तब जाकर एक अनुभाग स्थान होगा। एक मिनट का काटा एक पूरी बार घूमेगा, फिर जाकर घंटे का काटा एक बार इतना थोड़ा घूमेगा। उसी प्रकार एक अनुभाग स्थान, कितने ही अनुभाग स्थान होंगे तो जाकर एक कषाय स्थान होगा, कितने कषाय स्थान होंगे तो एक स्थिति स्थान होगा। ये काय के लिए बता रहा हूं मैं, ये भाव परिवर्तन, इतने इतने प्रकार के भाव जी ने आज तक किए हैं, ये हमने पंच परिवर्तन की चर्चा की है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ने के पहले मैं थोड़ा और इतना बता दूं, इस सूत्र का रहस्य कि संसारिण मुक्ताश्च कहकर यह कहना चाहते हैं जीव संसार रूप परिणमित होता है, क्योंकि संसार ही नहीं मानेंगे तो मोक्ष मार्ग का उद्यम कौन करने बैठा है। सांख्य लोग ये मानते हैं कि ये रजस तामस, सत्व रज और तामस, ये गुण प्रकृति के हैं, अर्थात ये प्रकृति ही विषय भोग कराती है, प्रकृति ही विषय से छुड़ाती है, प्रकृति ही पुरुष को क्रोध मान मायलोभ कराती है, वही छुड़ाती है। इस सूत्र ने यह सिद्ध करके दिखाया, ऐसे नहीं, जीव ही संसार रूप परिणमित होता है। इसलिए ये सूत्र का अर्थ है उपयोगवान जीव के भेद बता रहे हैं। उपयोगवान जीव संसार रूप परिणमित होता है, इसका मतलब संसार किसी और ने नहीं कराया है, और इसीलिए तो हम सब मोक्ष मार्ग के लिए छटपटाहट कर रहे हैं। इसलिए जैनियों ने सांख्यों का खंडन करते समय एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा, कौन सा? वे कहते हैं जीव संसार रूप नहीं होता, तो वो कराता है प्रकृति। तो वे कहते हैं फिर काय के लिए वेद की रचना की, काय के लिए मोक्ष मार्ग को उपदेश देते हो? क्यों? क्योंकि हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, तो इसमें स्वच्छंदता न आ जाए। जीव स्वयं संसार रूप परिणमित होता है और स्वयं के पुरुषार्थ से मोक्ष रूप परिणमित होगा, इसमें कोई प्रकृति, ईश्वर, इवन कर्म, ये कोई आड़े नहीं आता। हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, है ना? यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है, हम ही आर्किटेक्चर है, जो भी बनेगा हमारा बनेगा, करेगा दाढ़ी वाला, पकड़ा जाए मूछ वाला, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर वस्तु स्वरूप में नहीं है। आगे के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, मैं शीघ्रता से दो सूत्र लूंगा अभी। देखिए आगे का सूत्र, समनस्का मनस्का, मेरा जोर लगाऊंगा मैं दो सूत्र लेने में अभी, और फिर 12वां सूत्र है संसारिण त्रस्थावरा। अब देखिए समनस्का मनस्का, शंकराचार्य की यह कहना है कि इसका अर्थ तो ये हुआ, पहले तो मैं अर्थ बताओ प्रॉपर क्या है। ये सांसारी दो प्रकार के हैं, समन और अमन वाले, मतलब संगी और असंगी। समनस का मतलब मन से सहित संगी, अमनस का मतलब मन से रहित असंगी। मन से सहित मतलब जो उपदेश को ग्रहण कर सकता है, समझ रखता है। मन से क्या होता है? हित अहित की विशेष समझ डेवलप होती है, सिक्स सेंस। मन ही वाला जीव विचार कर सकता है, अन्य कोई जीव विचार नहीं कर सकता। संगी असंगी का अर्थ समझ में आता है? आगे बढ़ते हम, अर्थ क्या हुआ इस सूत्र का? संगी और असंगी ये संसारियों के भेद है। लेकिन शंकराचार्य ने एक शंका खड़ी की, कह रहे सूत्र में तो मात्र संगी और असंगी इतना ही लिखा है, ये आपने कहा से जोड़ लिया? क्या कहा से जोड़ लिया? कि ये संसारी के भेद है। तो कह रहे और कैसा अर्थ बनेगा फिर? तो वो कह रहे अर्थ तो सीधा है, देखिए पहला सूत्र बोले संसारिण मुक्ताश्च, तुरंत समनस्का मनस्का आया है, मतलब संसारी संगी है और मुक्त जीव
असंगी है, ऐसा अर्थ निकलता है। समझ रहे शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं? और शंकराचार्य को और कोई समर्थन करने वाले लोग बैठे, हाँ बिल्कुल सही बोले इनका। क्यों? क्योंकि लॉजिक है, बोले जितने भी संगी वे संसारी है और जितने भी मुक्त जीव दिखाई देते हैं उनको थोड़ी ना मन है, वे असंगी ही तो है। आचार्य देव कहते बाबा फिर तो हम एक ही सूत्र बनाते ना, क्या सूत्र बनाते फिर हम, इतनी मेहनत क्यों करते दो सूत्र बनाने की, एक ही सूत्र बनता फिर। बोलो कौन सा? संसारी मुक्त समनस्का मनस्का, तो फिर हमारी मेहनत बच जाती, हम एक सूत्र में ही दो डाल देते और हमारा न और च ये भी बच जाता फिर। तो एक सूत्र यदि ऐसा होता, कैसा? संसारी मुक्त समनस्का मनस्का, तब कैसा अर्थ किया जाता? तब संसारी संगी होते हैं और मुक्त असंगी होते, तब तो ये अर्थ किया जाना जायज भी था, कह रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? जायज है फिर ये अर्थ, लेकिन हमने पर्पजली दो सूत्र रखे ही इसलिए है। क्यों? कि ऐसा अर्थ नहीं करना कि संसारी संगी और सिद्ध असंगी है। और सुन कह रहे हैं यहां पर, चलो पहले दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसलिए तो हमने अलग सूत्र रखा। और सुन, नवे अध्याय तक संसारियों की ही मुख्यता से कथन चलना है, वो तो मुक्त का कथन हम दसवें अध्याय में करने वाले हैं। अभी सीधा ये प्रकरण नौ अध्याय तक खींचेगा संसारियों का वर्णन पूरा, अभी तो मुक्तों का कोई चर्चा नहीं। इसलिए यह प्रार्थना ऐसा करना कि संसारी के दो भेद है, संगी और असंगी, उसको और भी तसल्ली नहीं हो रही। तो कह रहे सुन, जो आगे का सूत्र खड़ा हो रहा है ना, कौन सा? संसारी ने त्रस्थावरा, वहां के संसारी जो शब्द है उसका प्रकाश यहां की तरफ खींच लो, उसका प्रकाश यहां पर भी खींच लो, तो क्या अर्थ बनेगा फिर? संसारी के दो भेद है, संगी और असंगी, अब कैसा लगा ये बोल रहे। कितने हेतु दिए समझ में आता है? एक तो ये कहते हमने सूत्र अलग सा रखा, और फिर यह भी क्या हेतु दिया है? आगामी सूत्र का संसारी का प्रकाश इसमें लगा लेना, आगे का प्रकाश पीछे लगा लेना। कभी आगे का पीछे का प्रकाश आगे चलता है, कभी आगे का प्रकाश पीछे चलता है। अब समझ रहे मेरी बात को? फिर प्रश्न ये आता है कि आपने समनस का पहले क्यों लिख दिया? अब उल्टा भी लिख सकते थे अमनस्का समनस्का, लेकिन आचार्य देव कहते इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक तो व्याकरण अपेक्षा कठिनाई, क्योंकि आठ शब्द वाला सूत्र बनेगा फिर, अभी तो सात शब्द वाला ही सूत्र बना है, क्योंकि वहां पर आ अलग से लिखना पड़ेगा फिर, और यहां पर मनस्का में आ गर्भित हो गया है। कितने जन समझ रहे हैं? ये व्याकरण अपेक्षा। और दूसरी बात ये कह रहे पूज्य वस्तु को पहले रखा जाता है, इसलिए संज्ञों को पहले रखा गया। उसका यह कहना नहीं, गिनते समय तो हम ऐसे गिनते हैं ना, कैसे गिनती करते? आपको भी बोले हम चार्ट बनाओ, तो पंचेंद्रियों का चार्ट कैसे बनाएंगे आप? पहले में क्या लिखेंगे? पंचेंद्रिय का, ओनली पंचेंद्रिय का क्या बनाएंगे? पहले क्या लिखेंगे? असंगी। और फिर क्या लिखते हैं? संगी। ऐसा ही तो चार्ट बनता है ना, आपने अभी अभी चार्ट बनाया होगा ना, कहां पर? 14 जीव समास में। 14 जीव समास कौन से है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय लिखो। फिर एक इंद्रिय में क्या लिखो? सूक्ष्म और बादर, और पंचेंद्र में लिखो संगी असंगी, और फिर सब में क्या लिखते? चलो पर्याप्त का पर्याप्त ये चल। लेकिन हमने संगी और असंगी ऐसा लिखा ना, वहां पर भी संगी और असंगी ऐसे तो नहीं लिखा। तो कह रहे गिनती तो कभी भी ऐसे ही करते अपन, और एक इंद्रिय से भी गिनती करना चालू करते, मतलब असंगी से ही तो चालू करते अपन। तो कह रहे भले ही गिनती करते हो, लेकिन यहां पर संगी पहले लिखने का कारण यह है, यहां पर पूज्यता को प्राधान्य दिया गया। पूज्यता क्यों है संगियों की? क्योंकि संगी ही समझ सकते हैं, उपदेश भी संगियों को ही है, आत्मकल्याण भी संगी कर सकते हैं, इसलिए संगियों को प्राधान्य दिया हमने। पकड़ में आता है? आगे बढ़ना है अभी, देखिए। और यदि हम ऐसा अर्थ करते कह रहे, अभी तीसरा तर्क, कि संसारी को संगी और मुक्त को असंगी, यदि हम ऐसा करते हैं तो कहते उसमें आपत्ति है। संसारी तो सभी जीव तो संगी नहीं है कह रहे, उसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तो टोटली असंगी है कह, कुछ कुछ ही संगी है।
और सिद्धों में भी जो संगी असंगी आप बोल रहे हो कह रहे हैं, उस सिद्धों में भी असंगी कहना ये गुण है कि दुर्गुण है? यहां पर असंगी बुराई के रूप में बोला जा रहा है, बोल रहे मन का नहीं होना, वहां पर तो मन का अभाव किया पुरुषार्थ पूर्वक इन्होंने, यहां पर मिला नहीं। देखो एक होती गरीबी, एक होता है निर्ग्रंथपना। अर्थ समझ गया अभी इसका असंगीपने का? नहीं समझा अभी भी? असहाय के दो अर्थ होते हैं। अरे बेचारा असहाय, असहाय मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है, और भगवान भी है असहाय, उनको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार असंगी के भी दो अर्थ, एक तो करुणावाचक और एक तो महिमावाचक। यहां पर कौन सा प्रकरण चल रहा है? असंगी को किस वाचक बताना है? करुणावाचक। कह रहे ये तो बुराई के अर्थ में किया जा रहा है, ये सिद्ध में ऐसे असंगी थोड़ी है वे। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? ये सूत्र समझ में आया हो तो तुरंत में आगे का सूत्र पूरा करो। हो गया ये ज्ञान में आया, अभी आगे का सूत्र देखिए। अभी अभी हमने बोला था, ये समझिए, ये तत्व और सूत्र की समस्त टीकाओं को आधार बनाकर मैंने बनाया है, और वर्णी जी के प्रवचन है मैं उसको भी पढ़ के आता हूँ, डॉक्टर साहब के कुछ प्रवचन है मैं उसको भी देखता हूँ, टीका मैं संपूर्ण एट एक स्ट्रोक में आपको देने का प्रयास है। अभी 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 उसने अभी अभी आचार्य ने एक तर्क दिया था संसारिणस्त्र स्थावरा में, स्थावरा का क्या तर्क दिया था कि सांसारी का शब्द है ना, उसका प्रकाश यहाँ पर लगा लेना। अभी वो क्या बोलने लग गया मालूम? ठीक है फिर हम ऐसा करते हैं, प्रकाश लगाना है तो आधा अधूरा क्यों लगाए फिर प्रकाश? फिर हम ऐसा प्रकाश लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि त्रस और स्थावर का भी अर्थ इसमें लगा लो, किसमें? समनस्का मनस्का में। तो सूत्र क्या बनेगा फिर? अभी वो कह रहे त्रस है संगी और स्थावर है असंगी, हम ऐसा लगाएंगे फिर, कह रहे आप पकड़ रहे उसकी बात को? तो आचार्य देव ये कहते नहीं, सांसारी ये मध्य दीपक है, मात्र सांसारी का प्रकाश आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा मतलब त्रस्थावरा में, और समनस्का मनस्का इसमें भी चलेगा, वो तो मध्य दीपक जैसा है, उसका प्रकाश दोनों तरफ लगाना, ना कि त्रस और स्थावर इसमें लाके छोड़ना। क्यों? क्योंकि यदि त्रस को हम संगी और स्थावर को असंगी कहना होता तो फिर हम सूत्र क्या बनाते? बराबर बताओ, समनस्का मनस्का त्रस्थावरा, फिर संसारिणों का झमेला ही नहीं रखते हम, हमारा तो और एक शब्द बच जाता कह रहे हैं। लेकिन दो सूत्र हमने किए इसलिए है कि वो ऐसा अर्थ नहीं करे कोई, कैसा कि संगी ये त्रस है और स्थावर ये असंगी है, इसलिए हमने दो सूत्र अलग अलग बनाए। देखो चाहे तो उन तीनों सूत्रों को एक सूत्र बनाया जा सकता था, कैसे? संसारी मुक्ता समनस्का मनस्का त्रस्थावरा, कितनी चीजें बच जाती बीच में, बीच का ये जो सांसारी, ये जो सांसारी ना आया है बारहवें सूत्र का, वो सांसारी ना बच जाता, आप समझ रहे? देखो जो दसवें सूत्र में आया है सांसारी नो मुक्ताच्च, वहां का तो आ ही जाता, लेकिन वो एक च बच जाता मुक्ताच्च वाला, और बारहवें सूत्र का सांसारी बच जाता, तो सूत्र क्या बनता? सांसारी मुक्त समनस्का मनस्का त्रस स्थावरा। और आचार्य देव तो बहुत संक्षिप्त शैली वाले होते हैं, तो ऐसे ही सूत्र बनाते, लेकिन उसमें क्या अर्थ फलित होता फिर? उसमें अर्थ यह फलित होता कि संसारी संगी होते हैं और त्रस होते हैं, और स्थावर असंगी होते हैं और स्थावर होते हैं, सॉरी मुक्त जीव असंगी होते हैं। अभी स्थावर तो सीधा घटित नहीं होता, तो और एक अर्थ कर सकते हैं इसका। और कैसा अर्थ लगता है इसका? ऐसा अर्थ लगता कि क्या अर्थ किया इसका? समनस्का मनस्का ना, कि त्रस में त्रस में भी संगी असंगी लगाओ और स्थावर में भी संगी असंगी लगाओ, यह भी अर्थ फलित हो सकता था, लेकिन बुद्धिपूर्वक उसको अलग कर रहे। नहीं समझ रहे आप? त्रस में भी संगी असंगी लगाओ और स्थावर में भी संगी असंगी लगाओ, लेकिन ऐसा भी कहना अभिष्ट नहीं है यहां पर। यहां पर तो मात्र सांसारियों के भेद कहना अभिष्ट है, और इसमें क्या क्या आपत्ति आती है? यदि हम त्रस को संगी कहते हैं और स्थावर को असंगी कहते हैं तो क्या क्या आपत्ति आएगी? अरे त्रस में भी सभी संगी थोड़ी है, त्रस में भी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय ये तो असंगी ही पड़े हैं, और असंगी पंचेंद्रिय भी, और स्थावर को यदि हम
असंगी कहते हैं, स्थावर तो असंगी है, यह तो बात फलित हो जाएगी, क्योंकि लेकिन स्थावर ही तो असंगी नहीं है, स्थावर के अलावा तरस भी तो असंगी है, तो यह बात भी घटित इसमें नहीं होती। अभी मुझे कुछ विशेष चर्चा करनी है, वो मैं कल करूंगा। ये मुझे ये चर्चा करनी है, यहाँ पर तरस और स्थावर का अर्थ क्या लेना, क्या कहा मैंने, उसमें लग सकता है मुझे कल का एक पूरा पीरियड। बहुत अच्छा प्रकरण चलेगा, पंचस्थिकाय संग्रह के आधार से चलेगा, क्योंकि शंकाकार की क्या शंका बनी है अभी, कहते हैं तरस मतलब तो वही ना जो चलन फिरन करते हो, और स्थावर मतलब तो वही ना जो हलन चलन बिल्कुल नहीं करते हो, यह प्रश्न उसका खड़ा हुआ। आचार्य देव कहते नहीं नहीं ऐसा अर्थ नहीं करना, वो कह रहे हैं हमने इतनी सारी डिक्शनरी आज तक देखी है, स्थावर का अर्थ तो फिक्स्ड होता है, स्थावर का अर्थ क्या होता है, फिक्स्ड एसेट कहते हैं ना, स्थावर पूंजी, और तरस का अर्थ कहीं भी देखो उठाकर आप, तरस का अर्थ चलने फिरने वाला मिलेगा। कह रहे वैसा अर्थ नहीं करना, हमारी जैन डिक्शनरी से करना है, यहां पर तो तरस का अर्थ ऐसा किया जाएगा जो तरस नाम कर्म का उदय जिसको हो वो तरस, और जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय हो वो स्थावर, बस यहाँ पर चलना फिरना नहीं की बात नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा कहते हैं तो दोनों में अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष का दूषण आएगा, किस प्रकार आएगा उसको हम देखेंगे कल। ओम नमः।